स्वागत है आपका मेरे चैनल ए टू जेड में। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मल्टीपर्पज़ पाउच, जो बहुत ही सुंदर और लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल है, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और आपको ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिए ये पाउच, इसमें हम ज्वेलरी को भी सेट करके रख सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ, उसमें हम कोई भी सामान सेट करके इसको हम लॉक कर देंगे। इसी तरह हम इसको भी ओपन कर देंगे, इसमें कोई भी सामान को हम सेट करते हुए इसको भी हम लॉक कर देंगे। देखिए बहुत स्पेस है इसमें, इसको भी हम ओपन करेंगे, इसमें भी कोई भी हम सेट करते हुए इसको लॉक कर देंगे। इसी तरह हमने पीछे की तरफ भी ऐसे ही सेट किया है। देखिए ये हमने पाउच को लॉक करते कुछ भी सामान सेट कर सकते हैं, इसमें भी हम सामान को सेट करके इसको भी लॉक कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पाउच देखिए बहुत सुंदर तैयार हो जाता है बनके। तो इसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को देखते रहिए और किस तरह से बनाते हैं, और लाइक करिए। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए, हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मटेरियल के लिए देखिए, हमने ये चार चावल की पन्नी ली है, जिसका मेजरमेंट हम इस वो जो मेन फैब्रिक है उसके अनुसार लेंगे। और मैंने ये देखिए चार फोल्ड में इसको बना दिया है। अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी ताकि ये लॉक हो जाए, उसके बाद हम उसको फैब्रिक के अनुसार उसको कट कर देंगे। तो देखिए ये मैंने फैब्रिक लिया है 13x9 इंच का है ये, इसके अनुसार हम इस पन्नी को कट कर देंगे। तो मैं इस पन्नी को 13x9 के अनुसार, जो हमारा फैब्रिक लिया है हमने कॉटन का, उसके अनुसार आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो दोस्तों और इसे तैयार कर सकते हो। और जो भी एक्स्ट्रा पन्नी है उसको मैं कट कर दूंगी। और दूसरा फैब्रिक लेके उसके ऊपर हम अटैच करते हुए बराबर से उसको लगा लेंगे और हम उसे पिनअप कर लेंगे, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। उसको पिनअप करने के बाद हम इसे कुल्ट कर देंगे। आप उसको किसी भी तरीके से कुल्ट कर सकते हैं दोस्तों, मैं सीधी लाइन से ही इसको कुल्ट करूँगी। मैं आपको कुल्ट करना सिखा रही हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको बराबर से सिखा देती हूँ दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी बहुत सुंदर पर्स बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने दोनों ही फैब्रिकों को कुल्ट करके रख दिया है। अब हम क्या क्या मटेरियल लेना है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मैंने कुल्ट कर दिया है दोनों, देखिए। ये सबसे पहले मैंने एक पाइपिंग ली है जो 1.5 इंच की है, और उसके बाद मैंने ये लेस ली है जो हम उस जिपर के साथ अटैच कर देंगे, और मैंने 9 इंच की ये 5 जिपर ली है और 5 रनर ली है जो प्लास्टिक की हैं, और मैंने 4 ट्रांसफर पन्नी ली है जिसकी 4 इंच चौड़ाई और 9 इंच इसकी लंबाई है, और 2 कॉटन पीस जिसकी भी चौड़ाई और लंबाई 13x9। आप इसे किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैं ट्रांसफर पन्नी लूँगी और उसको इसके ऊपर स्टिच कर दूँगी, और ट्रांसफर पन्नी के ऊपर मैंने पहले पाइपिंग लगा दी है। आप भी दोस्तों पहले लगा लीजिए, उसके बाद इसको ट्रांसफर पन्नी रख के उसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम दोनों तरफ इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो पहले उसके ऊपर जिपर लगा सकते हैं, मैं अभी पहले जिपर लगा देती लेकिन मैंने शुरुआत कर ली है, तो पहले मैं लगाने के बाद ही जिपर लगा दूंगी।
मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम दो जिपर लेंगे और इसको पाइपिंग के ऊपर सेट कर लेंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इसे अटैच कर लेंगे जिपर को। इस तरह से हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे साइड में भी पाइपिंग लगाई, इससे पहले हम उसमें रनर डाल देंगे। अब हम इसमें रनर सेट कर देते हैं, दोनों तरफ हम रनर लगा देंगे। दोस्तों ये मैंने लगा दी है। तरह से मैंने दोनों तरफ लगा दी हैं रनर। अब हम इधर पाइपिंग सेट करेंगे दोस्तों। तो पाइपिंग, तो चलिए दोस्तों पाइपिंग मैं उस वाले फैब्रिक पे लगाना सिखाऊंगी। अभी मैं इसको ले लेती हूँ और इसको बीच में से कट कर दूंगी। इसको बीच में फोल्ड कर दिया है मैंने बराबर से लेकर, और फोल्ड करते हुए मैं उसको मास्क लगा दूंगी। और मार्क्स लगाने के बाद इसको हम कट कर देंगे बीच में से। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम एक जिपर लेंगे और जिपर को इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। देखिए ये जिपर मैंने रनर लगा दिया है। अब इसको इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे, स्टिच करेंगे यहाँ पे। मैंने ये स्टिच कर ली है। अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह उल्टा सेट करते हुए इसके ऊपर हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये दाब सिलाई लगा ली है। इसी तरह हम इसके ऊपर भी इसको जिपर को लगा लेंगे और दाब सिलाई लगा के रेडी कर देंगे। मैंने लगा ली। अब हम इस पे लेस अटैच कर लेंगे इस तरह से। दोनों तरफ मैं लेस अटैच कर लूंगी। तो हमने लेस अटैच करके साइड में कर दिया है दोस्तों। बाद में हम उसको ले लेंगे। अब दूसरा पीस लेके उस पे मैंने ये जिपर को लगा दिया है। अब इसको इस तरह से हम सेट करेंगे और उससे पहले हम उसमें 5.5 इंच का एक मार्क लगा देंगे। दोनों साइड से 5.5 इंच का मार्क लगाएंगे हम और उसको सीधा कर देंगे। इस तरफ भी हम 5.5 इंच का मार्क लगाएंगे। ये हम मैंने मार्क लगा दिया है। अब हम इस ट्रांसफ़र पन्नी को इसके ऊपर सेट कर दें। जहाँ से हम मार्क लगाए हैं वहीं पे हम उसके ऊपर इसको सेट करेंगे दोस्तों और उसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहीं से जहाँ से हमने मार्क लगाया है उसकी तरफ ये मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पाइपिंग सेट करेंगे। इस तरह से मैं पाइपिंग दिखा रही हूँ दोस्तों। इस तरह से हमको करके इस तरह से इसको सेट कर लेना है पाइपिंग। इस तरह से पाइपिंग लगा के मैंने दोनों को तैयार कर लिया है। इस तरफ भी हम पाइपिंग लगा देंगे।
ये मैंने पाइपिंग सेट कर ली है। इस तरह इसको ट्रांसफर पन्नी को भी हम सेट कर देंगे स्टिच करके। दोनों तरफ से मैंने सेट कर लिया है और पाइपिंग भी लगा ली। अब हम वेलक्रो लेंगे दोस्तों, उसको हम दोनों तरफ से अटैच कर लेंगे ऐसे। इस तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से, उसको सेट करते हुए बराबर से। इस तरफ भी हम इसे सेट कर देंगे। हमने वेलक्रो को सेट कर दिया है। अब हम दोनों पीसों को ले लेंगे और उनको दोनों को उल्टी साइड पे और सीधी साइड बाहर रखेंगे। दोनों को उल्टी साइड पे रख के हम सेट कर देंगे इसको इस तरह से। इस तरह से सेट करते हुए हम बीचों इसको बीच में से कट कर देंगे और कट करके फिर उसको हम बराबर से इस तरह से सेट कर लेंगे दोस्तों दोनों पीसों को। और हम इसके बीच बीच में उसको पिनअप कर देंगे इस तरह से, दोनों तरफ से पिनअप कर देंगे ताकि हमारा ये फिक्स हो जाए। अब हम दोस्तों पाइपिंग ले लेंगे और पाइपिंग को इसके ऊपर अटैच करते हुए इसको स्टिच कर देंगे। अगर आप दोस्तों चाहते हो कि पहले उसको राउंड लगा के स्टिच करना तो आप कर सकते हैं। मैं इस पे ऊपर सीधा पाइपिंग अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको पाइपिंग सेट कर लेनी है, राउंड पूरा कर लेना है। देखिए मैं इस तरह से इसका राउंड पूरा कर लूँगी दोस्तों। आपको भी इस तरह से सेट करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो दोस्तों मैंने पूरे राउंड पे इस पे स्टिच किया है पाइपिंग को, देखिए। अब इसको हम पूरा पाइपिंग को पलट देंगे अच्छे से सेट करते हुए, उसको हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर इसको इसके ऊपर मोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों देखिए हमारी ये पाइपिंग पूरी होने वाली है और हमारा ये मल्टीपर्पज़ पाउच भी रेडी हो जाएगा। बस ये हमारा पूरा हो चुका है दोस्तों। ये देखिए अब ये हमारा रेडी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए दोस्तों अब हम इसको ओपन कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा पाउच बन चुका है। या हम कोई भी सामान सेट करके उसको लॉक कर देंगे इस तरह से। ये भी हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको देखिए दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको भी पसंद आए आप ज़रूर उसे बनाना, ये बहुत यूजफुल है दोस्तों। मेरे वीडियो देखते रहिए दोस्तों, नए नए वीडियो मैं आपको दिखाती रहूँगी, लाती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।